जोहार सभी को झारखंडी व्यंजन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों तो झारखंडी व्यंजन में आप आज आपको हम दिखाएंगे लिज्जत पापड़ को तवे पे सेकना दोस्तों बिना तेल के कैसे तवे पे पापड़ सेका जाता है दोस्तों तो ये मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक तवा जो है वो गर्म कर लिया है दोस्तों अब यहाँ पे मैं इन पापड़ों को दोस्तों देखिए किस तरह से डाल रही हूँ दोस्तों तवा गर्म है हमने यहाँ पे पापड़ ले लिए दोस्तों देखिए किस तरह से जो हमारे पापड़ हैं वो अपने आप सीख रहे हैं दोस्तों तवे पे रोटी सीखने के जैसे मैं इसे एक कपड़े की मदद से क्या करूँगी ना दोस्तों इस तरह से इसको प्रेस करूँगी दोस्तों और देखिए हमारा जो पापड़ है दोस्तों वो किस तरह से सिक गया है दोस्तों तो तवे पे सिके हुए हमारे हेल्दी पापड़ तैयार हो रहे हैं दोस्तों इसी तरह से मैं सारे पापड़ को आपको सेक करके दिखाती हूँ दोस्तों तो देखिए दोस्तों आप खुद प्रैक्टिकल देख लीजिए दोस्तों कि किस तरह से जो पापड़ है वो तवे पे सीख रहा है दोस्तों इसे हम डायरेक्ट गैस पे भी सेक सकते हैं दोस्तों लेकिन मैं इसे तवे पे भी आपको सेकना दिखाती हूँ दोस्तों तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो अपने पापड़ हैं वो सेक लिए दोस्तों पूरे देखिए कितने सुंदर हरे पापड़ साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको गैस पे भी पापड़ सेकने के लिए सिखाती हूँ दोस्तों तो देखिए मैं यहाँ पे गैस में किस तरह से अपने पापड़ों को डाली हूँ और इस तरह से भी हम पापड़ रोस्ट कर रहे हैं दोस्तों पर तवे पे हमने जो सेका था वो ज़्यादा मजा मज़ेदार था तवा तो गर्म करना पड़ता है थोड़ा सा और अगर इस तरह से सेकेंगे तो ये भी अच्छे से सीखेगा दोस्तों तो देखिए एक और सेक लेती हूँ दोस्तों देखिए दोस्तों हमारे तवे पे सिके हुए पापड़ तो है ना मजेदार दोस्तों तो आप भी मेरे चैनल झारखंड व्यंजन को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों तो देखिए किस तरह से दोस्तों हमारा क्रंची टेस्टी सिका हुआ पापड़ तैयार है दोस्तों तो आइए अभी से मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ दोस्तों देखिए दोस्तों किस तरह से हमारा जो पापड़ है वो सिका है दोस्तों तो हमारा क्रंची टेस्टी पापड़ तैयार है दोस्तों इसी अभी हम चावल कुर्थी उड़द की दाल आलू की भुजिया के साथ में सर्व करेंगे आम के अचार के साथ में दोस्तों तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप भी बनाएं और अपने परिवार में सबको खिलाएं दोस्तों इस तरह के पापड़ हेल्दी पापड़